हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, कभी कभी हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे फैसले लेते हैं जिनके कारण हमारा बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाता है। अगर हम इन फैसलों पर बारीकी से ध्यान दें तो हम अपना बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। यही बात समझाने के लिए मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक राजा को अपने अमीर होने पर बहुत ही घमंड था। वह हमेशा ही अपनी प्रजा और सभा के लोगों को दिखाता रहता था कि वह कितना अमीर है। एक दिन राजा के मन में नगर घूमने का विचार आया। उसने अपने मंत्री को बुलाया और उसके सामने नगर घूमने की इच्छा रखी। अगले दिन राजा नगर घूमने निकल गया। रास्ते में बहुत ही कंकड़ और पत्थर थे जो राजा के पैरों में चुभ रहे थे। जब राजा वापस महल लौटा तो उसके पैरों में बहुत ही दर्द हो रहा था। राजा ने सोचा कि इन कंकर और पत्थरों का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, पूरे नगर की सड़कों को चमड़े से ढक दो। राजा का आदेश सुनकर सभी लोग चौंक गए। सभी लोग मन ही मन में सोचने लगे कि इस काम में तो बहुत अधिक धन लग जाएगा। सभी लोग राजा से डरते थे, इसलिए किसी की भी मना करने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ देर बाद एक बुद्धिमान मंत्री ने डरते हुए राजा से कहा, महाराज, पूरे नगर की सड़कों पर चमड़ा बिछाने में बहुत सारा पैसा लग जाएगा। अगर आपकी इजाजत हो तो मेरे पास इससे भी बेहतर सुझाव है, जिससे कंकर और पत्थरों की समस्या भी हल हो जाएगी और हमारा बहुत सारा पैसा भी बर्बाद होने से बच जाएगा। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि पहली बार किसी ने राजा की बात न मानने का दुस्साहस किया था। लेकिन फिर भी अपने मंत्री से राजा ने कहा, बताओ, मैं तुम्हारा सुझाव सुनना चाहता हूँ। उस मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, पूरी नगर की सड़कों को चमड़े से ढकने के बजाय अगर हम आपके पैरों के लिए चमड़े के जूते बनवा दें, ऐसा करने से समस्या का भी हल हो जाएगा और हमारे बहुत सारे पैसे बर्बाद होने से भी बच जाएंगे। राजा को उस मंत्री की बात सुनकर बहुत खुश हुए। उसने मंत्री को इनाम दिया और अपने लिए चमड़े के जूते बनवा लिए। दोस्तों, इस इंस्पायरिंग स्टोरी से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि पैसे बचाने का सबसे अच्छा तरीका एक ही है, और वो है, व्यर्थ के कामों में अपना पैसा बर्बाद मत करो। कहीं भी अपना पैसा लगाने से पहले एक बार अच्छे तरीके से जरूर सोच लो कि आपके पैसे का सही इस्तेमाल होगा कि नहीं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारे वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मेरी ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर पर पब्लिश हो चुकी है। आप मेरी ऐप को प्ले स्टोर से अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक यू।